हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए ये बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए किसी ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया या फिर नहीं। ठीक है, आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है बाई चांस, और वो यहाँ से आपके लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, यहाँ से डीपी हट जाती है बाई चांस। ठीक है, डीपी तो मतलब हर कोई हटा सकता है, जिसका अगर मूड चेंज हो जाए तो डीपी भी हटा सकता है, लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि शायद उसने डीपी हटा दिया या फिर हमें ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा आज बिल्कुल जो डाउट है आपका क्लियर कर दूंगा कि आप कन्फर्म ही पता कर लेंगे कि मुझे ब्लॉक कर दिया या फिर नहीं किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सिंपली आपके लिए अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले आपके लिए तीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फॉलो करके आप पता कर सकते हैं कि किसी ने आपके लिए ब्लॉक किया या फिर नहीं किया है व्हाट्सएप पे, आप कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके लिए व्हाट्सएप इसे ओपन कर लेना है, और जिसकी भी चैट है जिसने आपके लिए ब्लॉक किया उसकी चैट में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सामने वाला पर्सन जो होता है अपनी यहाँ से डीपी हटा देता है। ठीक है, मतलब डीपी हटा देता है, जिससे हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये डीपी दोस्तों हर कोई मतलब कभी कभी हटा ही देता है, मूड चेंज हो जाए कभी किसी का, ठीक है, तो डीपी भी हटा देता है कोई। ठीक है, लेकिन इससे हम कन्फर्म ये नहीं कह सकते कि हमें उसने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और आपके लिए सबसे पहले क्या करना है, उसे हाय हेलो भेज देना है। ठीक है, और आपके लिए वेट करना है 24 घंटे तक या 48 घंटे तक। अगर यहाँ पे डबल टिक आ रहा है तो समझ लेना कि उसने आपके लिए ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, एक तो ये ट्रिक हो गया जिससे आप उसे पता कर सकते हैं कि उसने आपके लिए ब्लॉक किया या फिर नहीं किया। ठीक है, अगर यहाँ पे दो टिक आ गया यहाँ 24 घंटे के अंदर, ठीक है, तो समझ लेना उसने आपके लिए ब्लॉक नहीं किया है। 48 घंटे तक अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं आते बाई चांस तो आप लगभग 50-50 सोच सकते हैं कि हाँ उसने आपके लिए ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और तीसरा जो मतलब जो आपके लिए मतलब तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कंफर्म पता कर सकते हैं उसने आपके लिए ब्लॉक कर दिया है या फिर नहीं। ठीक है, वो तरीका क्या है, उसके लिए आपको ये करना है, यहाँ पे अपने व्हाट्सएप में आ जाना बैक। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है नीचे ग्रीन कलर में, प्लस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपके लिए न्यू ग्रुप। ठीक है, न्यू ग्रुप वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और आपके लिए जिस किसी का नंबर है जिसने आपके लिए ब्लॉक किया है उसके नंबर पर एक बार क्लिक करना है। ठीक है, उसे ग्रुप में ऐड करना है। ठीक है, और दूसरे पर्सन एक किसी और के लिए ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरे किसी पर्सन के लिए ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली आपके लिए यहाँ से डन कर देना है, और आपके लिए इस ग्रुप का एक नाम ऐसे ही डाल देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं ये ग्रुप। आने के बाद यहाँ पर ये ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर तीन मेम्बर हैं ग्रुप में, एक तो मैं ही हूँ खुद और दो लोग मैंने ज्वाइन किए थे। अब क्या करना है, आपके लिए ग्रुप वाले इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपके नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर वो भी बंदा आ रहा है यहाँ पर ग्रुप में ऐड हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जितने आपने ऐड किए थे वो ऐड हो रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसने आपके लिए अभी ब्लॉक नहीं किया है। अगर यहाँ पे वो बंदा ग्रुप में नहीं आ रहा है तो समझ लेना उसने आपके लिए 100% ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपके लिए बता दी है। ठीक है, आप इससे बिल्कुल 100% पता कर सकते हैं कि उसने आपके लिए ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे या नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में।